स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल लव लाइव कर चैनल में। आज हम बना रहे हैं स्ट्रॉबेरी केक। स्ट्रॉबेरी केक बनाने के लिए हमें पहले हाफ के जी का ब्रेड काट लेंगे। ब्रेड काटने के बाद हम व्हिप क्रीम में हमें स्ट्रॉबेरी क्रश मिला लेंगे अच्छे तरीके से, क्योंकि हम स्ट्रॉबेरी क्रश केक बनाने जाते हैं स्ट्रॉबेरी केक क्रश मिलाना ज़रूरी है। इसमें वाइट दाना मिला लेंगे, वाइट चॉकलेट चिप्स। फिर हम व्हिप क्रीम मिला के इसको कम से कम 4 लेयर में जोड़ेंगे, जिस तरह से हम जोड़ रहे हैं। फिर इसमें क्रश डाल देंगे स्ट्रॉबेरी वाला, क्योंकि हमें स्ट्रॉबेरी की बनाना था, स्ट्रॉबेरी डालेंगे। फिर इसमें वाइट चोको चिप्स डालेंगे। हम देखिए इसको 3 लेयर हमने जोड़ चुके हैं। फिर चौथा लेयर देखिए, चार लेयर का जोड़ना है तो 4 लेयर हम जोड़ेंगे इसमें अच्छे तरीके से। व्हिप क्रीम में अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, क्योंकि हमें स्ट्रॉबेरी बनाना था, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर अच्छे से मिक्स करना चाहिए। देखिए हमारा आइसिंग यहाँ पे हाफ आइसिंग तैयार हो चुका है। तो फिर अब देखिए इसको अच्छे तरीके से फुल आइसिंग करेंगे। हमने पहले ऊपर आइसिंग कर चुका है, फिर साइड साइड में आइस लगाएंगे व्हीप क्रीम पूरा अच्छे से हो सके। व्हीप क्रीम जितना हल्का फिटा रहता है उतना बढ़िया होता है, ज़्यादा टाइट नहीं फटना चाहिए ताकि व्हीप क्रीम काम करने में आसानी होती है। ये देखिए हमारा एकदम नॉर्मल फिटे हैं, इसलिए एकदम काम एकदम स्मूथ हो रहा है। चाकू की सहायता से पहले हम ऊपर सतह को क्लीन कर लेंगे, फिर उसी साइड से आराम से काटेंगे कि कोने से आराम से कट करेंगे आप चाकू इसके लिए सहायता से, या तो आपका केक तैयार हो जाएगा। हमारा केक यहाँ पे तैयार हो चुका है। अब इसको हम अच्छा से साइनिंग देंगे साइड साइड से चाकू या इसके लिए सहायता से। हमारे अब इसमें स्ट्रॉबेरी ग्लेज चढ़ाएंगे, ग्लेज या न्यूट्रल ग्लेज से भी आप चढ़ा से बना सकते हैं। इसको अच्छी तरह फैलाएंगे स्केल की सहायता से। फिर आप साइड में भी मारेंगे ग्लेज हल्का पट्टी पट्टी टाइप में, कि देखने में और भी खूबसूरत लगे। यहाँ पे देखिए हमारा हो चुका है। अब हम इसको हल्का हल्का और डेकोरेट करेंगे ताकि हमारा केक और भी सुंदर लगे। ये हमारा केक थोड़ा डेकोरेट हो चुका है। अब इस केक को हम स्टैंड पर से हटा के तल्ली पे रख लेंगे। नोजल हम मारेंगे, नोजल किसी भी साइज का आप मार सकते हैं, क्योंकि हमें बॉर्डर मारना है, कोई प्रॉपर नहीं नोजल मारना है नहीं, तो इसलिए बॉर्डर को किसी भी साइज़ के नोजल से मार सकते हैं। फिर उसी साइज़ के नोजल से ऊपर भी हम कर लेंगे, छोटा छोटा फ्लावर डालेंगे ताकि देखने में और केक हमारा सुंदर लगे। देखिए फ्लावर्स बनाने जा रहे हैं, बिना नोजल के साथ फ्लावर्स बनाते हैं हम एकदम आसान तरीके से। यहाँ पे हमारा फ्लावर्स बन चुका है, एक फ्लावर्स बनाने कम से कम 3 फ्लावर बनाएंगे हम। इसे ब्लू कलर की हम फूस से कलर मारेंगे। इसमें सिल्वर एक फूस आता है जो थोड़ा लाइट लगता है देखने में, 3D लुक लगता है। ये थोड़ा सा 3D लग रहा है तो अच्छा लगता है, और ज़्यादा कलर का उपयोग नहीं करना है हमें फूल में। ज़्यादा कलर का उपयोग करने से कस्टमर शिकायत आ जाता है, इसलिए तो कम ही कलर का उपयोग करेंगे तो और अच्छा लगता है। देखिए हल्का कलर मारने से कलर खिल जाता है। 2 फूल हमने बना लिया, फिर प्लस तीसरा फूल बनाने जा रहे हैं। फूल का वीडियो हमने डाला हुआ है हमारे यूट्यूब चैनल पे, आपको अगर सीखना हो तो सीख सकते हैं इसे भी, और अपने हर केक में बताते हैं फूल कैसे बनाया जाता है। देखिए हमारे यहाँ पे केक तैयार हो चुका है। अब इसमें हम गार्निश लगाएंगे। ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। हमारा केक देखिए तैयार हो चुका है। इस पे हम जो है कि वाइट चोको चिप्स किनारे से डालेंगे, फिर उसके बाद सिल्वर बॉल डालेंगे ताकि हमारा केक देखने में और अच्छा लगे। ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें।